शहडोल जिले में छठ पर्व को लेकर उत्साह का माहौल रहा। तालाब, नदी व अन्य जलाशयों के घाटों पर उपासकों की बड़ी संख्या में भीड़ रही। शुक्रवार की शाम बकहो स्थित बमबम तालाब में अस्ताचल गामी सूर्य को अर्घ्य देकर पूजा अर्चना की गई। शनिवार की सुबह भोर में भगवान उदित सूर्य को अर्घ्य देकर पूजा का समापन किया। शहडोल जिले में स्थापित कागज कारखाना नगर OPM बकहो में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी छठ पर्व बड़े धूमधाम से मनाया गया। इस पर्व के पूर्व तक बकहो को ग्राम पंचायत का दर्जा प्राप्त था, जिसे हाल में ही अब नगर परिषद कर दी गई है। इसलिए छठ पूजा कार्यक्रम की तैयारी नगर परिषद बकहो के प्रभारी CMO रविकरण त्रिपाठी और उनकी टीम ने पिछले एक सप्ताह से इसकी तैयारियां शुरू कर दी थी। छठ पूजा के अवसर पर व्रतधारी महिलाओं ने तालाब में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देकर परिवार की खुशहाली की कामना की। प्रशासनिक कहें या समिति, जो बम होने का समिति जो बना है, इन समितियों के द्वारा भी बहुत अच्छी यहाँ पर व्यवस्था की जाती है। और यहाँ पर प्रशासनिक और जो पुलिस अमला है वो भी मतलब 15 दिन से यहाँ पर यहाँ का काम धाम देख रहे हैं और व्यवस्थाएं यहाँ देख रहे हैं। और यहाँ अच्छी भीड़ हमेशा होती है, अच्छी भीड़, लेकिन इस साल कोरोना के वजह से थोड़ा सा उसमें कमी आई है। लेकिन मैं यहाँ पर मैं अपने क्षेत्रवासियों को छठ पर्व की बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ देती हूँ। इसी के साथ सबसे पहले तो मैं यही है कि ये हमारे देश की सुंदरता है, खूबसूरती है, हमारे भारतीय संस्कृति की और हमारे सनातन संस्कारों की। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं मानव कल्याण आश्रम गीता धाम कटकोना से हूँ और श्रीकांत गीतानुरागी मेरा नाम है। और यहाँ पर आज इन सभी श्रद्धालुओं के साथ खुद को सहभागी बनाकर मैं बड़ा सौभाग्यशाली अपने आप को मानता हूँ। और ये जो सूर्य की उपासना हमारी भारतीय संस्कृति की रही है, और इससे हमें एक तो ज्ञान का भी प्रतीक है और सूर्य हमारी सारी समृद्धि और शक्तियों का भी एक प्रतीक है, क्योंकि सूर्य से ही सारे जड़ और चेतन दोनों प्राणियों को एक शक्ति मिलती है और उसी शक्ति को प्राप्त करने के लिए हम माँ की आराधना करते हैं। और माँ की आराधना के साथ हम अपनी उस सूर्य की शक्ति को सम्मिलित करते हैं, समन्वय बनाते हैं और आने वाली पीढ़ी को भी एक सुंदर सा संस्कार देते हैं, जिससे हमारा भारतीय समाज और भारतीय संस्कृति और ये जो सनातन संस्कार है, इस पर हम चल के अपने बच्चों को, अपने आने वाली पीढ़ी को हम एक सुंदर सा अवसर दे सकें अपने जीवन को सरल बनाने के लिए। श्रीकांत गीतानुरागी, गीता पर चर्चा करते रहते हैं हम। तालाब में, बकहो में जो छठ का पर्व लगातार एक सप्ताह से तैयारियाँ चल रही थी, और हमारे बीच में अभिषेक सिंह, प्रमोद सिंह और हमारे बीच में बैठे आदरणीय सिंह साहब तथा कमेटी वालों ने जो इस कार्यक्रम में एकता, शालीनता, सज्जनता और सुंदरता बनाने में अपना प्रयास नगर परिषद बकहो को दिया है, और हमारे कर्मचारियों द्वारा जो यहाँ पर साज सज्जा व्यवस्था स्वच्छता से संबंधित तथा अन्य जो व्यवस्थाएं तालाब सफाई के बारे में की गई हैं, इसके लिए मैं सभी को धन्यवाद देता हूं। तथा हमारे बीच की आपके विधानसभा क्षेत्र की जैतपुर की विधायिका श्रीमती मनीषा सिंह जी बिल्कुल एक फोन पर यहां पर समस्त श्रद्धालुओं के बीच में पहुंच गई और उन्होंने सबको धन्यवाद दिया, छठ मैया का आशीर्वाद प्राप्त किया। और मुझे ऐसा लगा कि विधायिका जी का पहले से कुछ ऐसा मन था कि मैं छठ पर्व पर पूरे एरिया में जाऊंगी, तो उन्होंने जो अपना सहयोग किया, इसके लिए नगर परिषद बकहो तथा कमेटी के द्वारा सबको धन्यवाद, मैं उनको धन्यवाद देता हूं। और विशेषकर स्वच्छता के संबंध में, जब से नगर परिषद अभी 5-6 दिन हुआ है मुझे प्रभार लिए, मनाएँ डस्टबिन में कचरा डालें। नगर परिषद बकहो के द्वारा जितनी अच्छी व्यवस्था, रोड, नाली, रविकरण त्रिपाठी नगर परिषद।
कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को नहाए खाए से शुरू होने वाले व्रत के दौरान छठ व्रती स्नान एवं पूजा पाठ के बाद शुद्ध अरवा चावल, चने की दाल और कद्दू की सब्जी ग्रहण करते हैं। दूसरे दिन खरना होता है। इसके बाद शुरू होता है 36 घंटे का निर्जला व्रत। छठ महापर्व के तीसरे दिन शाम को व्रती डूबते सूर्य की आराधना करते हैं। अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। इसके पश्चात 36 घंटे का व्रत समाप्त होता है और व्रती अन्न जल ग्रहण करते हैं। शहडोल से निर्मल जायसवाल की रिपोर्ट।